हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद सूरज। तो आज हम लोग देख रहे होंगे टेक्स्ट शेडो के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, एंड देन लास्ट क्लास में हमने देखा था बॉक्स शेडो के बारे में। तो ये हमारा टेक्स्ट शेडो का आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि टेक्स्ट शेडो होता क्या है गाइस। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट में, ठीक है, बेसिकली ये जो टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट में हमारा जो यहाँ पर ये जो है टेक्स्ट, इसमें आपका जो ये शेडो दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो पीछे हमारा टेक्स्ट का कुछ शेडो टाइप में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस शेडो को बेसिकली अचीव कैसे करते हैं हम अपने प्रॉपर्टी के थ्रू, टेक्स्ट शेडो। तो आइए उसके बारे में जानते हैं, टेक्स्ट शेडो काम कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शेडो का बेसिक प्रॉपर्टी दे दिया है और उनके बारे में पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी होता है टेक्स्ट शेडो, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी नेम है। एंड देन उसके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ सीरीज में कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू होता है हमारा, वो होता है हॉरिजेंटल शेडो, ठीक है। जैसे देखिए, जो हमारे यहाँ पर हॉरिजेंटल शेडो है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल और इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई एंड डैश, और यहाँ पर हमारा वाई। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है उसी को बोलते हैं हम अपना हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सिस, और ये हमारा बेसिकली जो होता है ये वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल। तो ये जो आपका है यहाँ पर एच शेडो, ये किसको बिलोंग करता है? हॉरिजेंटल शेडो को। जब भी आप शेडो दोगे तो वो कैसा बनेगा? आपका हॉरिजेंटल में बनेगा, जैसे कि आप पीछे हम देख रखे हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो सीरीज है वो वी शेडो है, दैट मीन्स वर्टिकल शेडो। मतलब आप जब भी दोगे शेडो तो वो वर्टिकल दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कि वर्टिकल में हमारा किस तरीके से शेडो बनता है या बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लर, ब्लरनेस, यानी ये कितना ब्लर होगा और पीछे वाला जो शेडो होगा कि किस तरीके से धुंधलापन आएगा उसमें। और लास्ट है हमारा कलर प्रॉपर्टी, जो कि हम कलर किस तरीके का देना चाहते हैं, वो जो शेडो बनेगा उसका कलर क्या होगा। तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ हमारा टेक्स्ट शेडो का कुछ सीरीज है जो हम अपने प्रैक्टिकल में देख रहे होंगे। सो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल और जानते हैं किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट शेडो को अचीव कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा इसकी, टेक्स्ट शेडो को अचीव करने से पहले, कि जो हमारा यहाँ पर नंबर लाइन है, आप यहाँ प्लस में लेते हो और यहाँ आपका माइनस में है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर -3 है और यहाँ +3 है। तो जब आप -3 दोगे, आप ऐसा नहीं है कि -3 नहीं दे सकते हो, -5 नहीं दे सकते हो, यहाँ पर माइनस भी दोगे। अगर माइनस दोगे तो वो हमारा माइनस हॉरिजेंटल इस तरफ बनेगा, लेकिन अगर प्लस में दोगे तो प्लस हॉरिजेंटल यानी इस तरफ बनेगा, प्लस वाले एरिया में। तो ये बेसिकली हमारा क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करता है, जो कि हमने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पर क्लास 20 में HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नाम है टेक्स्ट शेडो, और उसके अंदर हमने दो हेडिंग क्रिएट किए हैं, टेक्स्ट शेडो और हेलो वर्ल्ड के नाम से। और इसे हम टारगेट कर रहे हैं थ्रू द टैग एलिमेंट, और हमने उसको सेंटर कर दिया है। तो आइए देखते हैं हम इसका टेक्स्ट शेडो, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट शेडो नाम का प्रॉपर्टी लगाया, ठीक है। और सबसे पहले मैं देता हूँ 5 पिक्सल, एंड 5 पिक्सल, सॉरी फॉर दैट, 5 पिक्सल, और मैं देता हूँ यहाँ पर रेड। पहले मैं आप लोग को यही दो प्रॉपर्टी देता हूँ गाइस, क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप तीनों प्रॉपर्टी दें, ठीक है। तो आप सिर्फ एक्सिस बता सकते हैं, एक्स और वाई, और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये चीज़ आ चुका है, ठीक है, शेडो आ चुका है ना गाइस, देखिए ये शेडो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं यहाँ पर ब्लरनेस दूँ, मैंने 10 पिक्सल का ब्लरनेस भी दे दिया, तो देखिए ये कुछ इस तरीके का ब्लर हो गया, ठीक है। मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ, बेसिकली 5 पिक्सल का ब्लरनेस भी मैं दे देता हूँ, तो देखिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2 पिक्सल का दे देता हूँ, सो अब दिखेगा वो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है गाइस कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पर 10 पिक्सल करूँ, 10 पिक्सल, तो ये हमारा हॉरिजेंटल हो रहा है, मतलब जो हमारा हॉरिजेंटली है वो बढ़ेगा, देखिए बढ़ रहा है हॉरिजेंटली। और ये हमारा बेसिकली वर्टिकली है, तो मैं यहाँ पर
51 पिक्सल, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पर 15 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पर भी। तो देखिए ये वर्टिकली भी बढ़ा, लेकिन यही चीज़ हम अगर मान लीजिए हमें नेगेटिव में मतलब इस तरफ दिखाना है माइनस में, तो माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमारा इस तरफ आ चुका है, और यही चीज़ हम इधर माइनस में कर दें वर्टिकली वाले में, तो ये वर्टिकली हमारा माइनस फॉर्मेट में जाना लगेगा। तो ये यूज़ होता है हमारा बेसिकली टेक्स्ट शेडो का, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा इस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पापा। वेट 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 वेट, प्रैक्टिकल जरूर करना गाइज, अदरवाइज आप लोग देख तो लोगे लेकिन समझ पाओगे, लेकिन अगर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा गाइज। तो प्रैक्टिकल जरूर करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।